नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। फैक्ट चेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति थोड़े से जागरूक रहें, आंख मूंद कर उन पर विश्वास न करें। कई खबरें तो किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक खराब कर देती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें वीडियोस भी होते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। खबरों की इसी बार में जरूरी हो जाता है कि जब हम जिन फोटोज या वीडियोस पर संदेह करते हैं उसका फैक्ट चेक एक बार कर लें। आज ऐसी कुछ खबरों की पड़ताल करेंगे, उसके पीछे का सच आप सबको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वायरल हो रही उस तस्वीर की जिसके जरिए यूजर्स लेबनान के बैरूत एयरपोर्ट पर हमले की फोटो बताकर उसको शेयर कर रहे हैं और वीडियो भी बताया जा रहा है। पड़ताल में आगे आपको दिखाएंगे पूरा सच क्या है। दूसरी खबर में उस वायरल वीडियो की पड़ताल होगी जिसे सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल करने की कोशिश है। दावा यह है कि एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने आंध्र प्रदेश में एक मंदिर को तोड़ दिया। सच क्या है आगे आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की। देखिए, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। वायरल फोटो में एक एयरपोर्ट पर धमाके का मंजर नजर आ रहा है जिसमें एक हवाई जहाज धमाके की आग के पास से गुजरता हुआ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को यूजर्स लेबनान के बैरूत एयरपोर्ट पर हमले की बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल तस्वीर की आखिर सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती है हमारी खास रिपोर्ट। इसराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है। हिजबुल्ला के कई ठिकानों को इसराइल ने नेस्त नाबूद कर दिया। आतंकियों को खत्म करने के लिए इसराइल हर कारगर कदम उठा रहा है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। वायरल फोटो में एक एयरपोर्ट पर धमाके का मंजर देखा जा रहा है जिसमें एक हवाई जहाज धमाके की आग के पास से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को यूजर्स लेबनान के बैरूत एयरपोर्ट पर हमले का बताकर शेयर कर रहे हैं। वायरल पोस्ट को शेयर करते हुए फेसबुक यूजर ने लिखा कि लेबनान की बैरूत एयरपोर्ट पर मौजूदा स्थिति। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर आग की तरह फैल रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब तेजी के साथ वायरल है। वायरल फोटो में एक एयरपोर्ट पर धमाके का मंजर देखा जा सकता है जिसमें एक हवाई जहाज धमाके की आग के पास से गुजरता हुआ देखा जा सकता है। इस तस्वीर को यूजर्स लेबनान के बैरूत एयरपोर्ट पर हमले की बताकर शेयर कर रहे हैं। ऐसे में वायरल तस्वीर का सच क्या है, झूठ क्या है, ये जानना जरूरी हो गया था। ऐसे में यहाँ ये बात जरूर सच है कि 20 अक्टूबर को बैरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विस्फोट के बाद अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन वायरल तस्वीर इसी धमाके से जुड़ा है। इस सच्चाई का पता लगाना जरूरी हो गया था। तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल तस्वीर को गौर से देखा जिसमें विमान उड़ान भरता है या उतर रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन किसी बमबारी वाले इलाके में ऐसा कम ही मुमकिन है। संघर्ष क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर आमतौर पर आवाजाही बंद हो जाती है, खासकर हवाई हमलों के दौरान। यदि बैरूत में इजरायली बमबारी हुई होती जैसा दावा किया गया है तो संभवत सुरक्षा के लिए उड़ानें रोक दी गई होती। ऐसे में हमें दावे की सत्यता पर संदेह हुआ, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर परखा। पहला सवाल आप सबके सामने रखते हैं, वायरल तस्वीर की आखिर असलियत क्या है, वो जानेंगे और समझेंगे। दूसरा सवाल कि कहीं तस्वीर को डिजिटली तैयार करके यूजर्स को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही, रिपोर्ट देखिए। अपनी जांच शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले गूगल लेंस के जरिए वायरल तस्वीर को सर्च किया। सर्च करने पर हमें ये फोटो एक वेरिफाइड एक्स हैंडल पर अपलोड हुई मिली। यहां दी गई जानकारी के मुताबिक ये इमेज एआई के जरिए तैयार की गई है। वहीं इस तस्वीर को एक इंस्टाग्राम हैंडल से भी शेयर करते हुए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार बताया गया है। सर्च के दौरान हमें फैक्ट चेक एक्सपर्ट हैंक वैन एस का एक्स पोस्ट भी मिला। उन्होंने इसमें वायरल तस्वीर के एआई से बने होने के कुछ संकेत लिखे हैं। पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस तस्वीर में ऐसा नजर आ रहा है कि विमान उड़ान भर रहा है या उतर रहा है। हालांकि किसी बमबारी वाले इलाके में ऐसा कम ही मुमकिन है। संघर्ष क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर आमतौर पर आवाजाही बंद हो जाती है, खासकर हवाई हमलों के दौरान। यदि बैरूत में इजरायली बमबारी हुई होती जैसा कि ट्वीट में दावा किया गया है तो संभवतः सुरक्षा के लिए उड़ानें रोक दी गई होती। ये एक प्रतीकात्मक छवि है
जिसमें चमकीले विस्फोटकों और हवाई जहाज को कुछ इस तरह दर्शाया गया है, जिसमें सिनेमाई विशेषताएं हैं। इसे पता चलता है कि इमोशनल रिस्पॉन्स हासिल करने के लिए तस्वीर का संदर्भ से हटकर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बुनियाद पर हमने अपनी जांच आगे बढ़ाई और एआई जनरेटेड इमेज को चेक करने वाले टूल साइट इंजन पर वायरल तस्वीर को अपलोड किया। इसमें इसे एआई निर्मित होने की 99% संभावना पाई गई। अपनी पड़ताल में पाया कि वायरल तस्वीर असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए बनाई गई बैरूत विस्फोट की प्रतीकात्मक तस्वीर है। इस फोटो के असली होने का दावा फर्जी है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर शेयर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक मंदिर को एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक इलाके का बता रहे हैं और हनुमान मंदिर यह बताया जा रहा है। ऐसे में वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए पड़ताल करती है रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मंदिर टूटा हुआ पड़ा है। मंदिर का गेट और दीवार क्षतिग्रस्त दिख रही है। मंदिर एक तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर करके सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मोलाकाल चेरुवु का हनुमान मंदिर बता रहे हैं। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि हृदय विदारक, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मोलाकाल चेरुवु में कुछ उपद्रवियों ने हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की। तेलंगाना में इस्लामवादी जिहादी और आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण माफिया ये कारनामे कर रहा है और शांति को नष्ट कर रहा है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड यूजर्स इस वीडियो को इसी दावे के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इस वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर खूब शेयर किया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मंदिर को एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मोलाकाल चेरुवु का हनुमान मंदिर बता रहे हैं। ऐसे में वायरल वीडियो का सच क्या है, झूठ क्या है, ये जानना हमारे लिए जरूरी था। लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, क्योंकि अगर वाकई में ऐसा हुआ होता तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होती, लेकिन कहीं भी ऐसी खबर हमें नहीं दिखी। ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल इसी वीडियो के साथ जुड़ा हुआ, वायरल वीडियो के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या, वो जानेंगे। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को सांप्रदायिक एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, जानते हैं सच क्या है और झूठ क्या है। दावे की पड़ताल करने के लिए हमने वीडियो के की फ्रेम्स को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। यहां से हमें 10 अक्टूबर 2024 को छपी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिले में अभय अंजनेया स्वामी मंदिर को एक पुजारी ने विस्फोटकों से ध्वस्त कर दिया। मंदिर की आय के बंटवारे को लेकर पुजारी के साथ विवाद हुआ था। इसी जिले के एक दूसरे मंदिर के पुजारी हरिनाथ यादव ने 5 लोगों के साथ मिलकर अभय अंजनेया स्वामी मंदिर में तोड़फोड़ की, जिससे मंदिर एक तरफ झुक गया था और इसकी दीवारें और मुख्य द्वार क्षतिग्रस्त हो गए थे। सर्च के दौरान एक और आधिकारिक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक हनुमान मंदिर की नींव तक हिला देने वाले इस आरोपी पुजारी हरिनाथ यादव ने मंदिर के बेसमेंट में विस्फोटक भी लगा रखे थे। हालांकि इनमें से वो विस्फोट करने में नाकाम रहा। इस घटना में मंदिर जमीन से अलग होकर एक तरफ झुक गया है। मंदिर के मुख्य द्वार के साथ ही इसमें रखी देवी देवताओं की मूर्तियों को भी क्षति पहुंचाई गई है। पुलिस ने मामले में आरोपी हरिनाथ यादव, महेश्वर रेड्डी, टी लक्ष्मी नारायण, बी राघवेंद्र चारी, चकीवलु मधु और शेख इलाही को गिरफ्तार किया है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। आंध्र प्रदेश में अंजनेय स्वामी मंदिर में तोड़फोड़ की घटना में सांप्रदायिक एंगल नहीं है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।